तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किस चीज़ के लिए, टाइटल तो देख लिया होगा। तो ये जो जगह है, खाली जगह, मैं इसको यहाँ से फिल कर दूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारा गैप है। बट टूटेगा नहीं जी, बट फिर भी ये गैप अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसीलिए मैं इसको फिल करना चाहता हूँ। बाकी इसका जो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने इसको किस तरह से फिट किया है, ये सारा ग्लू वगैरह आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये जो यहाँ पर खाली जगह है, इसको बस फिल करना है ताकि ये बाहर से जब मैं इसको देखूं तो इसकी लुक अच्छी लगे, ये ऐसे ही ना दिखे। तो उसके लिए हमें चाहिए ये एम सील। तो ये यहाँ से मैं पूरा इसको सील कर दूँगा अच्छी तरह से। तो मैं इसको करता हूँ पहले मिक्स, तो ये वाला पहले यूज़ हो चुका है किसी जगह पर, तो मैं पहले इसको कर लूँगा। और आज मौसम बहुत अच्छा है, और आज डेट है 19 जुलाई। और ये वीडियो अपलोड होगी 20 जुलाई, यानी कल सुबह 9 बजे। तो इसको करते हैं मिक्स। इसको एक्चुअली मुझे लगाने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि ये जल्दी चिपक जाता है और ये फैलता नहीं, जैसा मैंने जो ग्लू लगाया था उसको सूखने में टाइम लगता है, और वो लिक्विड था तो इसलिए वो जगह जगह पर फैल चुका था। तो इसको मैं लगाऊंगा तो ये जल्दी सूख जाएगा और अच्छा भी होगा। अरे यार, मेरे हाथ के साथ चिपक रहा है। तो ये हो गया रेडी, बहुत गर्म है। तो इसको पहले मैं इस साइड फिट करूँगा। जितना लगता है सिर्फ उतना ही लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं। इसको अंदर की तरफ प्रेस करूँगा मैं, ताकि अंदर की तरफ जो फिट होगा वो होगा ही। चलो यहाँ भी ठीक है, बाहर ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए ना, सिर्फ मेन जगह पर लगे तो ही ठीक है। तो देखिए अब ठीक लग रहा है, अब बीच में स्पेस नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि यार इससे तो मेरी हेलमेट का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस पर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक पेंट वगैरह अगर आपके पास हो तो आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं तो इस पर ब्लैक पेंट ही करूँगा इसके बाद, जब ये सूख जाएगा। तो इस साइड वाला तो हो गया ये एरिया कवर, ऊपर से इसकी फिनिशिंग कर लूँ। ठीक है, तो इस साइड से तो हो गया ये कंप्लीट। और जो जो नीचे थोड़ा बहुत है, इसको मैं बाद में पानी लगा कर थोड़ा सा पूरे शेप में लगा दूंगा। और अब मैं इस साइड के लिए इसको मिक्स करता हूँ। तो मेरा न्यू पैक, तो देखो यार हर जगह चोरी चोरी। अब इसमें से क्या चोरी रहा था यार तुम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, सारी तो नहीं लगेगी, ये वाली पूरी फुल है। अच्छी बात,
चॉकलेट खाएगा कोई? मेरे पास दो चॉकलेट हैं, बहुत ही टेस्टी, खा लो यार। मजाक कर रहा हूँ। स्नेक ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है मैंने, मेरी स्पीड ही है। अगर आपको लगा कि ये फास्ट फॉरवर्ड है तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं है। हाँ, तो ये भी हो गया और ये सारा मिक्स करते करते तो आई थिंक वीडियो लंबी हो ही जाएगी। तो अब इसको मैं इस जगह पर अप्लाई करता हूँ। ओके, काफ़ी गर्म है ये भी। ओके, सबसे पहले तो मैं इस ग्लास को ऊपर कर लेता हूँ और इस कैमरा को नीचे, ताकि मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकूँ अच्छे से। बेसिकली ये है काम, बहुत टेक्निक वाला। तो आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बना लिया, क्योंकि यहाँ पर ये बाहर ही आ रहा है सारा। कोई बात नहीं, करते हैं कोई जुगाड़। आइसक्रीम फिल कर रहो, कैमरा क्यों हिल रहा है? ओके, तो इससे क्या है कि ये प्लेन हो जाएगा और साथ में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या मैंने आइडियाज़ लगाए थे। हाँ, अगर किसी को जानना होगा तो वो मेरी वीडियोस देख सकता है यूट्यूब पर, और किसी आउटसाइडर को नहीं पता होगा कि इसकी ये फिटिंग कितनी मेहनत से हुई है। तो ये हो गया पूरा यहाँ से कवर एरिया, ठीक है। तो अब मैं लाता हूँ थोड़ा सा वाटर, जो मैं जिसके थ्रू मैं इसको प्लेन कर दूँगा। एक और चीज़, ये देखिए मेरे हाथ जी आपस में चिपक रहे हैं, तो मैं अपने हाथ भी वॉश कर लूँगा पहले। आल बैक। तो ये रहा वाटर, और जिसके थ्रू मैं इसको कर दूँगा प्लेन। देखते जाओ बस, ज़्यादा नहीं पानी लेना, सिर्फ हाथ पे ऐसे लगाना है और उसके बाद इसको सिर्फ इस तरह से करना है। बारिश स्टार्ट हो गई। आई होप कि मेरा कैमरा में पानी ना चला जाए। वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही उठूँगा मैं वैसे में यहाँ से। ओके, तो ये हो गया। ज़्यादा पानी ना लगाएं वरना इसको चिपकने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसको हर उस जगह से अच्छे से चिपकाना चाहता हूँ जहाँ भी ये गैप्स हैं। बारिश बारिश बारिश। ठीक लग रहा है अब जहाँ से एकदम प्लेन, यहाँ से भी, और जहाँ से नहीं होगा वहाँ से फिर से कर देंगे। कौन सा टाइम लगेगा? ओके, तो ये हो गया यहाँ से भी प्लेन, एकदम प्लेन। अब है ऊपर की तरफ से।
तो बाकी सारी जगह से मैं इसको साफ़ कर लूँगा, जिस जिस जगह पे मुझे नहीं चाहिए ये शो हो। आप इसको अगर चाहें तो किसी कटर और ब्लेड के साथ भी साफ़ कर सकते हैं, बट कौन उठ के जाए यार अब इसको लेने के लिए। ट्वेंटी वन को एक और वीडियो होगी, वो होगी कौन सी वाली डालूँ। हाँ तो ठीक है, कल मैं क्या करूँगा ना, ये वीडियो तो कल अपलोड हो जाएगी, बट उसके नेक्स्ट डे के लिए जो वीडियो है वो मैं शूट करूँगा कल। ये जो जहाँ पे चार्जर है इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो बैटरी है इसकी, जो इसकी बैटरी है वो बैटरी लाइफ बिल्कुल है ही नहीं, मतलब कि लगभग 5 मिनट तक चलती होगी इसकी बैटरी, इसकी 5 मिनट तक मैं शूट कर पाता हूँ। और ये बिल्कुल अच्छा नहीं, तो उसके लिए मैंने एक आइडिया लगाया है, तो उस आइडिया पर मैं कल वर्क करूँगा और वीडियो शूट करूँगा, और फिर आपके सामने होगी वो वीडियो 21 को। तो 21 जुलाई को आएगी वीडियो अबाउट हाउ टू यूज़ योर एक्शन कैमरा विदाउट चेंजिंग योर बैटरी, और कुछ भी हो सकता है यार, वो तो बनाने के बाद सोचूंगा कि क्या टाइटल रखूँ मैं उसका। तो यहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं जिससे मुझे सीआईडी वाले पकड़ सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट भी नहीं छोड़ने, एकदम प्लेन लगना चाहिए यार, लुक होनी चाहिए ना अच्छी। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा अवार्ड मिलना चाहिए, तो देखिए एकदम ऑसम। बस ग्लास बंद हो जाना चाहिए यार अपना, ठीक है, ओके डन। तो देख लिया आपने कि किस तरह से आपको ये जो यहाँ पर, अरे यार व्हाटएवर, जो भी इसमें स्पेस बचती है उसको आप किस तरह से फिल करें, फिलिंग के बारे में थी ये वीडियो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग और वीडियोस। और 21st को मेरी वीडियो देखना ना भूले, उसके बाद होगी मेरी ब्लॉगिंग शुरू, क्योंकि वही है मेरी मेन वीडियो एंड लास्ट वीडियो, हाँ लास्ट वीडियो अबाउट माय कैमरा। बट उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बैटरी प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा 22 को, और उसके बाद तो राइड, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग और वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.I.